मोहनपुर में हजरत चूड़ी बाबा का 64वां उर्स मुबारक शुक्रवार को अदबो एहतराम के साथ संपन्न हो गया। यह उर्स मुबारक 26 अगस्त से गुशूल संदली चादर के साथ शुरू हुआ था। बाद में लगातार कुरान खानी, मिलादुन्नबी, चादर पोसी, देख फातिहा आदि का सिलसिला चलता रहा। बाबा के चाहने वालों का मजार शरीफ में आना जाना जारी रहा। बताया गया कि गुसूल आस्ताने ओलिया कमेटी के द्वारा लंगर खानी के साथ उर्स का समापन हुआ। लोगों का कहना है कि बाबा सभी की जायज मन्नतें मुरादें पूरे करते हैं, जिसको लेकर हर साल हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु यहां नजरों न्याज चादर पोसी करने आते हैं। इस मौके पर गद्दी नरसी सह कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद आलमगीर अंसारी, सचिव आसिफ अली, खादिम नियाज अली, मोहम्मद सदरुद्दीन, डीएफओ सबा आलम, मास्टर अब्दुल अजीज, मोहम्मद कैसर सहित बाबा के कई चाहने वाले मौजूद रहे। हर साल की तरह इस साल भी मेरे चूड़ी साहब बाबा चश्मी लाल पूरा ले 64वां साल रहा। बड़े ही शान शौकत के साथ मोहनपुर का विश्राम मनाया गया। ये उर्स मुबारक 26 अक्टूबर से 1 सितंबर तक जारी रहा। 2 सितंबर जुमा के बाद दूसरी उर्स का रस्म अदा करना उर्स का समापन किया गया। 26 तारीख को सरकारी चादर निकाली गई, जिसमें शहर के जनमान्य लोग उपस्थित हुए और उनके द्वारा और कमेटी के सदस्यों के द्वारा चढ़ाई गई। 27 तारीख से लंगर खानी, कुरान खानी और मवाली का सिलसिला जारी रहा और बहुत अदब और एहतराम के साथ ये प्रोग्राम मना और आज 1 तारीख तक शांतिपूर्वक उर्स मुबारक चला है। और बाबा से हम लोग यही दुआ करते हैं, इसी तरह हम लोग का हौसला बढ़ाते रहे और आस्थाने और कमेटी के तमाम मेम्बरान बाबा के उर्स का संचालन सही ढंग से कर सके और यहाँ का कामगिरी का काम है, देख का काम है, सही ढंग से हम लोग अंजाम दे सकें, यही बाबा से हम लोग दुआ करते हैं। बाबा हम लोग पर इनायत कर नजर इनायत करते रहे और हम लोग इसी तरह बाबा के काम में लगे रहे। और इस मुबारक में जितने भी प्रशासनिक अफसर थे उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और जितने भी हमारे मौजूद हमारे लिए ग्रामीण थे और बाबा के आने वाले जारी उनकी मन्नत पूरी हुई है। वो आए और बहुत से मन्नत मांगने के लिए भी आए। हिंदुस्तान के हर कोने से बाबा के चाहने वाले यहाँ पहुँचे और बाबा का भाई लेकर के यहाँ से गए।